हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद शीतल। जन्माष्टमी आने वाली है और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और इससे ही रिलेटेड आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, जिसमें हम बहुत ही आसानी से दो तरीके से कान्हा जी की पगड़ी बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, पगड़ी बनाना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे आप भी बहुत आसानी से पगड़ी बना सकते हैं और आपको इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पेपर की पगड़ी बनाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, जो क्राफ्ट पेपर आता है उसी से हम पगड़ी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक ग्लिटर शीट ली है और एक चार्ट पेपर लिया है, जिस पर थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है। आप चाहें तो इसकी जगह जो शादी में जो कार्ड आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब मैंने इसको काट लिया है। अब मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे आपको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ मैंने दोनों ही पेपर का मेजरमेंट आपको बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से पेपर को कट कीजिए और पगड़ी बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप भी मेरी तरह दोनों ही पेपर को कंट्रास्ट में यूज़ करेंगे तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो देखिए, यहाँ एक पेपर के कोने को दूसरे पेपर के कोने के ऊपर मैंने रख कर चिपका दिया है। बस आपको थोड़ा सा उसको तिरछा रखना है। और जो हमने दूसरा पेपर लिया था उसको हम बीच से फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। इसी तरह उसे हम 3 से 4 बार फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि जिस तरह हम फैन बनाते हैं उस तरह हमको इसको जिक जैक करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया था, अब इसको वापस खोल लिया है। देखिए, अब मैं इसको जैसे हम बचपन में फैन बनाते थे उसी तरह इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। इससे इसमें बहुत ही अच्छी सी चुन्नटें पड़ जाएंगी। देखिए, हमारा फैन रेडी हो गया है। यही हमारे मुकुट के ऊपर लगेगा। अब हम इसको भी फेविकोल की हेल्प से मुकुट के पीछे चिपका लेंगे। देखा ना फ्रेंड, कितना आसान है इसको बनाना। सिर्फ आपको फेविकोल से चिपकाना है और इस तरह हमारा 50% काम तो हो ही गया है। सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेशन करना बाकी है, जिससे ये और भी अच्छा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। मेरे पास यहाँ छोटी वाली बॉल चैन पड़ी थी, मैंने उसको इसके चारों ओर चिपका लिया है। आप चाहें तो कोई भी पतली सी लेस का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि ये किनारी उभर कर आएगी। और यहाँ पर हम घर पर रखे हुए स्टोन्स या डेकोरेटिव जो बटन्स होते हैं छोटे छोटे, कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी वही यूज़ किया है जो मेरे घर पर रखा हुआ था। मैं कोई भी चीज़ बाजार से लेकर नहीं आई हूँ, जो घर पर था उसी को ही यूज़ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमारा ये मुकुट बनकर रेडी हो गया है। अभी मुझे कुछ अधूरा सा लगा था, तो ये सेम बॉल चेन जो थी इसको मैंने ऊपर भी लगा लिया है। इससे जो शो आई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो मुकुट के ऊपर का पोर्शन है यहाँ पर भी आप छोटे छोटे बीड्स या स्टोन लगा सकते हैं, तब भी इसकी रौनक बहुत बढ़ जाएगी। तो देखिए, है ना बिल्कुल ही बाजार जैसा मुकुट। तो क्यों ना फ्रेंड्स, अब की बार आप बाजार से लाने की बजाय खुद घर पर बनाएं। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो बुकरम मिलती है मार्केट में वो ले ली है। इसकी जगह आप एक हार्ड पेपर या चार्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेम ही काम करेगी जो एक हार्ड पेपर काम करेगा। तो इस पर मैंने फेविकोल लगा लिया है और घर पर रखी हुई कोई भी लेस इसके ऊपर हम चिपका लेंगे। जो भी लेस आपको अच्छी लगे, इसके नाप से थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटें और उसको अंदर की ओर थोड़ा थोड़ा मोड़ लें। मोड़ने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है। लेस नहीं है आपके पास तो आप कोई भी कपड़ा काटें और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के अंदर की ओर फोल्ड कर दें, उससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। बस लेस थी तो इसलिए हमें ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेस खुद में ही बहुत अच्छी और डिज़ाइनदार रहती है, तो इसीलिए एक और कपड़ा मैंने यहाँ लिया है, जिससे कि मैं इस मुकुट के बेस के ऊपर लगाऊंगी। फ्रेंड्स, एक और चीज़ थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो ये ग्रीन कलर है ये पर्पल से मैच नहीं कर रहा है, तो मेरे पास एक और लेस रखी हुई थी जो कि मैंने इस मुकुट के ऊपर लगा दी है। अब इसको भी सेम तिरछा करके चिपका दिया है। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं। पहले वाले मुकुट को मैंने चिपका दिया था, अब की बार मैंने सिलाई कर दी है, जिससे कि आपको दोनों तरीके पता चल जाएं। अब दूसरे कपड़े को हमें इसी तरह जिग जैग करके जैसे हम फैन बनाते हैं वैसे ही मोड़ लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा कपड़ा लिया है। बड़े कपड़े से एक तो चुन्नटें ज़्यादा होंगी और जो ये फैन बनेगा ये भी
थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको इसी तरह मैंने मोड़ लिया है और अब की बार चिपकाने की जगह इसको भी मैं सिल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरीके बताने की कोशिश की है कि आप सुई से सिलकर या फिर आप फेविकोल से चिपका के कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए, हमारे मुकुट के ऊपर का पोर्शन भी ना बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए इसको सिलाई कर देते हैं। इसको बस अच्छे से सेटिंग कर लें, जिससे कि जब आप इसको खोलें तो ये अच्छे से खुल जाए और बहुत ही सुंदर सा मुकुट के ऊपर का ये फैन बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम चिपका लेते हैं। आप चाहें तो इसको भी सुई की हेल्प से सिल सकते हैं, जैसा आप चाहें, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लें। तो देखिए, काफ़ी हद तक तो ये बनकर रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ करें, या इस पर भी आप चाहें तो थोड़े से स्टोन्स या कुछ भी आप डेकोरेटिव पीस लगा सकते हैं। फॉर अ चेंज, यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा फूल रखा हुआ था, मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। और देखिए, ये वाली पगड़ी भी बनकर रेडी हो गई है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी से ही अपने कान्हा जी की पगड़ी को जाके पहना दूं, लेकिन मैं भी जन्माष्टमी का वेट करूंगी और तभी उनको ये नई पगड़ियाँ पहनाऊंगी। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको दोनों पगड़ियों में से कौन सी पगड़ी ज़्यादा सुंदर लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।